हल्द्वानी मामले में लेटेस्ट अपडेट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कल हुए उपद्रव में 4 लोगों की हुई मौत तो वहीं 250 से अधिक हुए घायल। जिलाधिकारी नैनीताल वंदा सिंह ने दी जानकारी, बोली हमला पहले से प्री प्लान होने की है आशंका। कहा कि एक्शन पर रिएक्शन की पहले ही कर ली थी तैयारी। बड़ी संख्या में पुलिस के दरोगा और कई जवान हुए घायल। कई वाहनों को उपद्रवियों ने लगाई आग। इंटरनेट सेवा भी हुई बंद। साथ ही विधायक सुमित्र देश ने भी शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर गौर न करें और शांति व्यवस्था बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे। हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक लगा रहेगा कर्फ्यू। आज सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल भी रहेंगे बंद। बात करें एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि बाहर से अन्य फोर्स हल्द्वानी मंगाई गई है जिसे बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न तिराहों चौराहों और गलियों में लगाया गया है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने हालात पर बनाई है पूरी नजर। डीएम की चेतावनी, उपद्रवियों को किया जा रहा चिन्हित, साथ ही उनके खिलाफ किए जा रहे मुकदमे दर्ज। वहीं जो भी नुकसान कल की घटना से हुआ है सभी उपद्रवियों से की जाएगी इसकी वसूली। आपको बता दें जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने कहा कि जिस तरह से टीम पर हमला हुआ है उससे लगता है कि ये सुनियोजित और योजनाबद्ध हमला है जिसकी तैयारी पहले से ही थी। जब शॉर्ट नोटिस पर ऐसी घटना हुई और प्लानिंग थी, अगर अधिक समय दिया जाता तो संभव है कि हालात और भी ज्यादा खराब होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्ट नोटिस के कारण ज्यादा नुकसान को रोका जा सका है। फिलहाल जानकारी के अनुसार वर्तमान में केवल बनभूलपुरा क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है। वहीं बता दें एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी थी, चूक कहां हुई इसका पता किया जा रहा है। साथ ही बाहर से अन्य फोर्स हल्द्वानी मंगाई गई है जिसे बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न तिराहों चौराहों और गलियों में लगाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और फोर्स को गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश ने इस विषय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई की तारीख 14 फरवरी को दी थी, फिर भी शासन प्रशासन ने जल्दबाजी कर इस कृत्य को अंजाम दिया है। वहीं उनके द्वारा मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है एवं इस पूरे प्रकरण में घायल हुए प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों व उनके परिजन के लिए भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर गौर न करें और शांति व्यवस्था बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। आपको बता दें कल 3 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए बनभूलपुरा थाने के पास टीमें इकट्ठी होकर अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण स्थल के लिए रवाना हुई थी। वहीं मौके पर पहुंचने पर करीब 5 बजे के आसपास ये सारा हंगामा शुरू हुआ जिस दौरान उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी। वहीं पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए पर उपद्रवियों ने उनके वाहनों में आग लगा दी जिस कारण सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें करीब 7 बजे अस्पताल भेजा गया। दूसरी ओर 7:30 बजे के आसपास सीएम धामी ने तत्काल बैठक कर उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए एवं शहर में कर्फ्यू के भी आदेश जारी हुए हैं। जिसके बाद कल 7:45 बजे उधम सिंह नगर से अधिक पुलिस फोर्स हल्द्वानी पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागिला न्यूज़।